हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आज संडे है, लाइक हर बार की तरह मेरा काम अपने घर वालों को चाय के साथ उठाना, साथ में कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट कर देना। तो आज मैं चाय के साथ ब्रेड और मक्खन बनाऊंगा अपने घर वालों के लिए, ताकि उठ जाए यार, उनका संडे थोड़ा अच्छा जाना चाहिए। हफ्ते में बात तो बनता है कुछ करना घर वालों के लिए, क्यों? जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, थोड़ा बहुत तो बनता है यार। यू फील गुड। आज मैं आपसे एक टॉपिक याद आया मेरे को, चाय बनाते बनाते। आज मैं बात करना चाहूँगा आपसे ट्रेनर की लाइफ में, ट्रेनर की लाइफ के रिगार्डिंग, कि जब मैं ट्रेनर था, अब तो फिलहाल गुरु जी की कृपा है कि अपनी जिम है, तो और अपनी जिम के बाद मैं उसमें ट्रेनर हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ लोगों को, कोच हूँ वहाँ पर। तो आज मैं बताऊँगा अपना एक एक्सपीरियंस जो ऑलमोस्ट ट्रेनर्स का होता है, ऑलमोस्ट कोचिस का जिम में होता है, जो कि लोग ना जानते नहीं उनके कोचिस को कि वो किस स्ट्रगल से लाइफ में जजी रहे हैं, ठीक है, उनका क्या रूटीन है क्या नहीं है। आज मैं आपको थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग बताऊंगा। हाँ, तो मैं कहाँ था, कोच के रिगार्डिंग बात करने की आपसे। तो आप लोग, ऑलमोस्ट लोग क्या सोचते हैं कोच के रिगार्डिंग, कि इसकी लाइफ जो है काफ़ी मस्त है, ठीक, ऐसे सोचते हैं लोग कोच के बारे में। पहला क्या होता है यार, ये तो कोच है, ठीक है, सही खाता पीता होगा, सही से रहता होगा, सही लाइफ स्टाइल होगी इसकी, ये जब भी वर्कआउट करता होगा लोगों से बताता होगा, उसकी बॉडी से पंप हो जाती है, इसकी बॉडी से बन जाती है, ठीक, और इसकी इसकी डाइट जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम शानदार होगी, अच्छी डाइट लेता होगा, थोड़ा अच्छा पैसा कमाता होगा। चलो ठीक है, आपकी बात को सही मान के एक रूटीन बताता हूँ मैं कोच का। जब भी कोच ही कराते हैं ना, तो पता टाइमिंग क्या होती है जिम्स की, आप लोगों को जिम कब चाहिए होता है, 6 बजे वरना 5 बजे मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग की बात करता हूँ, ठीक, 6 बजे 5 बजे चाहिए होता है, ठीक है, एक कोच आता है 6 बजे 5 बजे, ठीक, वो फिर उसकी शिफ्ट होती है 6-6 घंटे शिफ्ट, मान लो कि 6 से 12, ठीक, सुबह की 6 से 12 शिफ्ट हो गई। फिर शाम की शिफ्ट स्टार्ट होती है, आप लोगों को जिम का वॉन चाहिए होती है ऑलमोस्ट लोगों को आने के लिए 5 बजे से, ठीक है, 5 बजे से 10 बजे तक ऑलमोस्ट हर जिम चलती है। तो 5 बजे आ जाता है और फिर वो 10 बजे जाता है, ठीक। तो अब इसमें मुझे बताओ उसको खाने का टाइम कहाँ मिला, पहली बात तो ये, ठीक, सुबह 6 बजे उठ रहा है वो, सीरियसली सुबह 6 वो 6 बजे जा रहा है, मतलब 5 बजे उठ रहा है, ठीक, 5 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठने के बाद, ठीक, वो अपने तैयार हो रहा है, नहा रहा है, नहा धोके फ्रेश हो के तैयार होके उस जगह से निकल रहा है, और ये भी डिपेंड करता है वो जगह कितनी दूर है, राइट, डिपेंड करता है ये भी, ठीक, कितनी जगह उतनी दूर है वो, बहुत से लोग तो बहुत दूर दूर जाते हैं यार सफ़र करते हैं पैसे, कुछ पैसे कमाने के लिए, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए। तो खाने का टाइम कहाँ मिला उसे, ट्रेनिंग करवाता रहा 6 घंटे तक कोई खाने का टाइम नहीं मिला, और 12 से 12 फ्री होता है, 12 तो कहने वाली बात है, 12:30 बज जाते हैं, तो 12 फ्री होता है, ठीक, 12 फ्री होता है, फिर घर जाता है, फिर घर पे आके अपना डाइट बनाता है, जो भी उसको खाना होता है, ठीक, अपने गोल के हिसाब से जो भी चल रहा है उसका, तो खाता है, खाने के बाद 1 बज गए, खाते 2 बज गए, आप फिर 5 बजे तो दोबारा निकल रहा है, 3 घंटे बचे बीच में, ठीक, 3 ही 2 घंटे बचे, है ना, 2 से 4, अब 4 बजे क्या करेगा वो, 4 बजे दोबारा तैयार होने लग जाएगा जगह के लिए जाने के लिए, और फिर वो 10 बजे तक करेगा, 10:30 हो जाते हैं करते करते, फिर वो 11 बजे अपना या 11:30 घर पर आएगा, कब सोएगा कब उठेगा, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत टफ है लाइफ, इसमें ना हमें खाने का नहीं पता होता कि हमारा हम कब क्या खा रहे हैं, पब्लिक को तो लगता है ये अच्छा खा रहा होगा या उसका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, मगर ठीक है, बहुत से लोग हम एडजस्ट करते हैं चीज़ों को लेके, तो मतलब ये है कि ट्रेन होना आसान नहीं है, तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, वो आपको समझे, आप वो इतना मेंटली स्टेबल होते हैं या कोशिश करते हैं मेंटली स्टेबल रहने की, कि बहुत से लोग इरिटेट करते हैं आके, सर जिनको वर्कआउट पता होता है वो भी दोबारा के पूछते हैं बेमतलब में, ठीक है, तो ऐसे हम आप थोड़ा समझो, आप थोड़ा सा आप हो पुराने हो इस फील्ड में, ठीक, आप फिर भी आके आपको जब मूवमेंट्स बता दे, मूवमेंट्स पता है ऑलरेडी चीज़ों की, आपको वर्कआउट बता दिया सामने वाले,
तो लोग फिर पूछते हैं, तो इरिटेशन आने स्टार्ट होती है। कुछ न्यू बिगनर्स आते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता होता, वहाँ से स्टार्ट होती है मशीन्स फ्री कौन सी है, फ्री नहीं है, उस बेस पे सब उसको रहा सब की चेस्ट है, और आपको उस बेस पे डिसाइड करवाना है। ट्रेनर उस बेस पे डिसाइड करता है कि मैं इसको कहाँ से मसल बॉडी वर्क क्लियर करूँ, ताकि सारी चीज़ कवर भी हो जाए, उसको क्राउड का सामना भी ना करना पड़े। तो ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं, और भूखा भी होता है, भूख उसको लग रही होती है, कोई पता नहीं होता लंच का, कितने लंच लाते, लंच पड़ा रहता है, पता नहीं चलता। भाई मेरे बाद मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा लंच होता है ना, लंच मेरा पड़ा रहता है, तो मुझे लंच का बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता चलता कि मेरा कहाँ है कहाँ नहीं है। और शाम के टाइम तो मेरे साथ होता ही होता है, मैं शाम को खाने को लगता हूँ। तो वो मेरा भी रूटीन है जो मैंने से बताया आपको भी, और ट्रेनर्स का तो ठीक है, मेरा तो पैशन ही है, मगर जिनकी मजबूरी है उनसे पूछे वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ को लेके। और बताऊँ, ये हर ट्रेनर की, हर कोच की ऑलमोस्ट 95% की तो ये ख्वाहिश होती है कि अपना खुद का जिम, जिनका ये फील्ड होती है उनका खुद का ख्वाहिश होती है जिम खोलने की। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, हमेशा अपना ट्रेनर रिस्पेक्ट करो और उसको समझो यार थोड़ा। अगर आप वो आपको समझता है, आपकी कंडीशन मेंटली कंडीशन समझ चलता है, तो आपको थोड़ा चलना चाहिए, उसको थोड़ा कॉपरेट करो साथ में उसके। कि होता है कभी, कितने केसेस होते हैं यार, घर से कभी अच्छा मूड नहीं होता, फिर जिम में आके अच्छा मूड नहीं होता, वो फिर भी कॉपरेट करता है, फिर भी सर मैम करके आपसे बात करता है। ठीक है, तो प्लीज़ कॉपरेट करो, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, ठीक है, और फ्लोर पे खड़ा रहना होता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा कॉपरेट करा करो अपने कोच के साथ, जो भी आपके कोचेज हैं यहाँ भी हैं, चाहे वो हर फील्ड में, फिटनेस की किसी फील्ड में हो कोच, ठीक है, तो उसको प्लीज़ सपोर्ट करा करो, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा। बाकी आज घूमने का प्लान है मेरा, तो देखते हैं, घूमना हो पाता है नहीं हो पाता, घूमना हो पाएगा तो बताऊँगा, थोड़े थोड़े वीडियोज़ बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा आज क्या करा क्या नहीं करा, चीट मिल डे बनाने सोच रहा हूँ मैं। सो देखते हैं, बाकी चाय मेरी रंगत काफ़ी अच्छी लगा गई है, मम्मी को और बहन को चाय देता हूँ, तो पापा की याद आ गई तुम से, तो देता हूँ चाय, तो ठीक है। तो मैं जब बिस्तर पकड़ ले तो ना उठने का दोबारा मन नहीं करता, और वो बंदा चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, सर्दियों में जब सो रहे होते हैं ना, जो बंदा निकलता है, ठीक है, पौने छः या साढ़े पाँच बजे निकल जाता, मैं निकल जाता हूँ यार, जो आप बिस्तर में सो रहे होते हो ना, मैं 5:30 निकल जाता हूँ, ठीक है। वो बहुत ही कम क्लाइंट्स होते हैं जो आपको 6:30 या 6:15 टकराएं, ऑलमोस्ट तो 8-8 बजे आते हैं, 7:30 7:30 बजे आते हैं, ठीक है। वो जब वो आते हैं, उनको ट्रेनर का कोच खड़ा मिलता है उस जगह पर, बहुत डेडिकेशन चाहिए। और सर्दी में तो खास करके सुबह उठ रहे हो और उठ के जा रहे हो, और फिर दोबारा उठ रहे हो, फिर दोबारा जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, या बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रगल लाइफ होता है, ठीक है। इसलिए हर जिम हर कोच का ये होता है, जो मेरी फील्ड का है उसका तो यही होता है कि यार अपने जिम खोलेंगे। सो बस ये कुछ बातें हैं सर्दी गर्मी की, खाने की, और बॉडी पंप की, छोटा बॉडी पंप तो सर बस क्या ही बताऊँ, बेचारी कैसी होती है, वो बॉडी अपने को ढाल लेती है उस सिचुएशन के अंदर, बस वो क्या ही बताऊँ, बॉडी वेडी पंप ऐसा कुछ नहीं होता कि बॉडी पंप बाहर है ऐसा कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर कोच, यही कहूँगा बस, और थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, कभी इसका मूड नहीं है तो थोड़ा ठीक है सर, एक आधा कम पूछ लो दिन, क्या क्या जा रहा है, एक दिन की तो बात होती है, एक दिन क्या, तो रोज तो होता नहीं किसी साथ ऐसा, मेरे साथ तो रोज होता नहीं, वन से नवाइल हो जाता है, और लोग जब भी नहीं समझते हैं तो इसलिए तो गुस्सा आ जाता है। तो ठीक है, कोई शर्व समझने की, बस यही था आज का। ठीक है, अब आप एक चीज़ बोलेंगे सर, टाइमिंग की बात तो ऐसी है कि हम भी जॉब करते हैं अपना 9 to 5 9 to 6, हमें घर जाते हैं 7 बज जाते हैं 8 बज जाते हैं। दोस्तों चलो आप ठीक हो अपनी जगह पर, मैं इसी बताऊँ, मैं आप भूखे पेट होते हो ना, और जब आप सुबह 5 बजे उठते हो, 6 बजे जाते हो, फिर 12 बजे आते हो, फिर दोबारा 1 बजे खाना खा के अपना अपना 2 बजे तक डाइस करके, फिर आप नॉर्मल रूटीन में 4 बजे दोबारा निकल जाते हो। भाई साहब, अगर आप सुबह 9 जा रहे हो ना, 9 से 10 9 या 10 बजे आपकी शिफ्ट है, और वो 6 बजे तक की शिफ्ट है, आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो वो चीज़, मगर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए जुटाने के लिए, कि आप तो 5 बजे के 6 बजे जा रहे हो, ठीक है, फिर आप 1 बजे घर पर आ रहे हो, ठीक, 1 बजे घर पर आ रहे हो और खाना ना खा रहे हो 2 बजे आपको, फिर दोबारा 4 बजे निकल रहे हो। ये समझने वाली चीज़ है कि यही यही चीज़ इंसान को तोड़ देती है, दोबारा जाने के लिए उस चीज़ पर हिम्मत चाहिए। अगर आपको कोई बोल देना ऐसे कि हाँ यार
जैसे आपकी 9 से 4 समझ लो एक शिफ्ट है, 9 से 4 शिफ्ट है आपकी, या 9 से 3 शिफ्ट है, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, तो आपको 2 घंटे दोबारा बुला लिया जाए ना कि आ जाना ज़रा, हिम्मत नहीं होगी आपकी दोबारा जाने की, ठीक है। और यही चीज़ स्ट्रगल यही फेस करता है एक कोच आपका, चाहे किसी फील्ड का आपका कोच हो, तो समझो अगर वो किसी फील्ड का कोच है फिटनेस से रिलेटेड, तो प्लीज़ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए यार दो दो टाइम जाने की, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए।